फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट कॉमन एंड यूनिक फीचर रेस्पेक्ट में लिखा नहीं है, बाद में डिस्कस नेक्स्ट आ जाओ। एग्जामिन द प्रोविजंस एंड वर्किंग ऑफ पंचायत सर्विस एक्ट 1996। तो नहीं है, एक पे चलते हैं। ये था तो तुम्हारा है ना, मैंने वो गलत आंसर अपलोड है, अच्छा कोई और कर दिया है। अच्छा फिर देखो। एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो कोमल ने इस पर आंसर लिखा है। तो विद इट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी गेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मेन पर्पज ऑफ दिस एक्ट वॉज टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस। सेंट्रल एक्ट हैज बीन मैंडेटरी एंड अनेबलिंग प्रोविजन दैट इज दे हैव एनहैंस्ड द पब्लिक पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाई प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड वुमेन। With women coming in forefront, it has been a tool for women empowerment. Gram Sabha is the main important institution meant to ensure democracy at the grassroots level. It has been observed that the devolution of power has not raised fruit as it was expected. They are considered as half-hearted attempts. CRI are always criticized as half-baked cake. PESA Act was brought to deepen democracy, but has not been able to make Gram Sabha a strong body. It has put jail, jungle, and jameen, water, forest, and land under its control. Caste prejudice emerged as a major problem. Biggest factor for the failure in the is the failure of people. Panchayati Raj experiment in India has entirely been supply driven. Mani Shankar Committee remarked that disillusionment of panchayats in India. According to it, we have achieved decentralization of corruption leading to Sarpanch Raj. Municipalities suffer from similar weakness like panchayat. There is no institution of direct democracy that is Mohalla Sabha. It is a big loss as marked by Ahluwalia. Lack of devolution of funds and functionaries have provided no teeth to bite. But the provision in the Act was instrumental in igniting the process of upliftment of depressed class. There has been a rise of awareness among the common people. ये लिखा है इन्होंने इस पे। पे और भी है ना समीप, कुछ ऐड ऑन करेंगे इस पे? यार वही अपन जो यूजुअल थिंकर्स लेके आते हैं वैसे करके ऐड किया था मैंने कि गांधी का सर्वोदय का आइडिया हो गया। और क्या हाना एरेंट का पॉइंट हो गया कि यार मेरा आंसर इसमें दिख क्यों नहीं रहा है। कहीं भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं, दिख रहा है दिख रहा है। ओके ठीक है। तो एक निरंजन साहू करके है, तो निरंजन साहू ने वो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन वाला जो पोजिशन है पॉइंट है उस पे बोला है कि इट इज इंडियाज मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्मेटिव एक्शन फॉर वुमेन। तो वो एक पॉइंट है। बाकी पहले उसके पहले मैंने एक वो पॉइंट लिखा है कि इंट्रोडक्शन में डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा। तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एसेंशियली मीन्स डाइवर्सिफाइड रिप्रेजेंटेशन ब्रॉडन पार्टिसिपेशन यानी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। उसको डिफाइन करते हुए देन आई हैव रिटन अबाउट रोल इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि पंचायती राज का क्या रोल रहा है उस पे। मतलब ताकि मैं ब्रेनस्टॉर्म सही कर सकूं, आई हैव टेकन वन पॉइंट एक एक करके पॉइंट लिया। तो आई स्टार्टेड विद रिजर्वेशन फॉर वुमेन जहाँ पे निरंजन साहू वाला पॉइंट वाला, देन 243D में रिजर्वेशन फॉर SC ST दिया है। तो SC ST में बेसिकली एक तरह से लिखा है कि इट हैज
एम्पावर ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एट ग्रास रूट्स लेवल लाइक अगेंस्ट जो अंबेडकर का एप्रिहेंशन था ना कि विलेजेस बीइंग डेंस ऑफ इग्नोरेंस एंड ऑपरेशन, तो उसके अगेंस्ट में एक तरह से यहाँ पे एम्पावरमेंट हो रहा है रिजर्व एससी एसटीज का ग्रास रूट्स लेवल पे. मतलब सबसे ज्यादा अंबेडकर का कहना था कि गांव में विलेजेस में ही सबसे ज्यादा ऑपरेशन होता है इनका. देन ग्राम सभा का एक पॉइंट लिखा है कि सोवरेन पावर टू कंट्रोल द गवर्नेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ इलेक्टेड बॉडी लाइक ग्राम पंचायत. जो ग्राम सभा है इट्स लाइक इट क्रिएट्स एन आइडियल स्पीच सिचुएशन जो हैबरमास कहता है. ठीक है, दैट इज डेलिब्रेशन फ्री ऑफ कोवर्जन. तो सिमिलरली फिर महात्मा गांधी का आइडिया सर्वोदय और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी और लिटिल रिपब्लिक वाला है, वो भी एक तरह से रियलाइज होता है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है. एंड फिर तो एक प्रोविजन लिख दिया मैंने कि दे हैव देयर ओन पावर टू फॉर्मुलेट देयर ओन प्लान्स फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. देन इंक्रीजिंग डेवलपमेंटल पावर, जैसे ये मैंने जबरदस्ती डाला पॉइंट वैसे मैं 1% वाला, बट इसमें एक पॉइंट है ये है कि सब नेशनल गवर्नमेंट्स जो होती हैं जितना वो प्रॉक्सिमिटी ज्यादा होती है उतना इट इनेबल्स देम टू रिस्पॉन्ड बेटर टू लोकल नीड्स. तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो ऐसे करके ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे डीपनिंग में. फिर इश्यूज तो वही मोर और लेस सेम ही है जो हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, सरपति सिंड्रोम, जो नोशनल रिप्रेजेंटेशन की बात बोलते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन है बट इट्स जस्ट अ नोशन, वरना अदरवाइज दे एक्ट मोर लाइक अ रबर स्टैम्प और प्रॉक्सी. फिर निरंजन साहू ने बोला था कि फुल फ्लेज्ड गवर्निंग सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे स्टेट पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी के रेजिस्टेंस रहता है हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि इट विल मेक देम रिडंडेंट एंड इट विल रिड्यूस देयर पावर्स. तो दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फंक्शनरीज ढंग से नहीं हुआ है, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ है अच्छे से. देन प्रॉपर डिलिनेशन ऑफ फंक्शन जो एक्टिविटी मैपिंग का हुआ है वो भी ढंग से नहीं हुआ है. इसमें शायद एक और पॉइंट जो ऐड कर सकते थे वो अभी कौन सा किसने लिखा था पिछला आंसर, कोमल लगे कोमल ने जो एक पॉइंट डाला था मणिशंकर अय्यर कमेटी वाला कि सरपंच राज हो गया, तो वो भी एक डाल सकते हैं यहाँ पे. आई गेस उसने वेमेन एम्पावरमेंट वाला डीपनिंग और डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल से मोरलेस सारे पॉइंट्स उसने भी डाले ही थे वेमेन एम्पावरमेंट के और वो सब. फिर वे फॉरवर्ड में सेकेंड एआरसी ने बोला है सोशल ऑडिट के प्रोविजन होने चाहिए. तो सोशल ऑडिट बेसिकली पार्टिसिपेशन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट ऑफ स्कीम्स. तो वहाँ पे ओहाना रेंट वाला एक आइडिया मैंने डाला है, मेरे को वही श्योर नहीं है कि मतलब इतना ऐसे एक्सट्रीम कोरिलेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट आई हैव स्टिल एडेड वहाँ पर, लिख तो दिया है. देन एक केरला ले सकते थे वे फॉरवर्ड में कि जो स्टेट के एफसी के रिकमेंडेशन हैं केरला में ऑलमोस्ट 100% रिकमेंडेशन को फाइनेंस कमीशन के एक्सेप्ट किया हुआ है. तो एंड दूसरा एंड इसको कोरिलेट कर सकते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह है केरला का, इट इज़ बेटर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो. तो वैसे करके कोरिलेशन भी कर सकते हैं. राइट टू रिकॉल में जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली किया है, तो राइट टू रिकॉल में इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ ऑनगोइंग अकाउंटेबिलिटी इंस्टेड ऑफ एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी. ये भी मेरे ख्याल से फ्रेज सेकेंड एआरसी का ही है. फिर नागालैंड का एक कम्युनिटाइजेशन स्कीम है, तो मतलब ये फॉरवर्ड में काफ़ी वो जीएस टाइप के केस स्टडीज ही डाले हैं, ज़्यादा कुछ नया तो कुछ नहीं है. फिर कंक्लूजन में लिखा है कि एक अशोक मेहता कमेटी ने बोला था कि पीआरआईज एंड यूएलबीज हैव परफॉर्म्ड द क्रूशियल फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सीड ड्रिलिंग इन इंडियन सॉइल एंड इट हैज मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर सोवरेन राइट्स एंड रीइन्फोर्स द पैरामाउंसी ऑफ द जनरल विल. आखिरी लाइन तो थोड़ा ऐसे टाइप की उन्होंने बना दी है कुछ तो भी. तो ऐसे करके आई ट्राई टू राइट, मेरे हाथ में अगर चोट लग गई है असल में इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ दो दिन से. टाइप करने में वही है कि लाइक वर्ड लिमिट का लोड नहीं रहता है, तो खूब सारी चीजें डाल दी हैं. नहीं इसमें वो भी आता है ना, शायद वॉइस कंट्रोल आता है इसके अंदर, तो आई थिंक वो यूज कर लिया करो, टाइप भी नहीं करना पड़ेगा सर. अच्छा राइट, काफी मतलब तो काफी एक्यूरेसी है, तो इतना दिक्कत होता नहीं है, प्रीटी मच ये होता है, तो वो यूज कर लिया करो. ठीक है, वो भी कर सकते हैं. सही यार, पॉइंट्स आई थिंक काफी सारे ऐड कर दिए हैं इसके अंदर,
किसी के पास कुछ और है क्या ऐड करने को इसपे? कैसा नहीं, एक बार स्ट्रक्चर ऊपर ऊपर से बता दो ना, कैसा कैसा किया। स्ट्रक्चर बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, फिर डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है, देन मतलब हाउ एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देके फिर डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को बताया कि व्हाट एग्जैक्टली मींस, व्हाट डज इट मीन बाय डीपनिंग, देन रोल इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कैसे उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, देन इशूज बताएं, देन वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। मेरा एक पॉइंट बताना है, सही है नहीं, मतलब इसमें ऐसे डाल सकते हैं कि इट प्रिवेंट इंडिया टू बिकम इन द और इट प्रिवेंट इंडिया टू गेट इनटू द कैटेगराइजेशन ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट, क्योंकि ये सोशल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ग्रास रूट लेवल पर लोगों की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं और उनको उनका उनका मतलब उनका डिसीजन मेकिंग में ब्लॉक लेके आ रहे हैं। मतलब कि तो क्या है कि जैसे सेंट्रलाइज में स्टेट को ज़्यादा डेवलप हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर सोसाइटी को भी डेवलप कर रहे हैं, तो जो ओवर डेवलप्ड का जो कंसेप्ट था, ओवर डेवलप्ड स्टेट को उससे होने से बचा रहे हैं। डाल सकते हैं क्या पॉलिटिकल साइंस को? एक्चुअली सेम पॉइंट दिया था यहाँ पे पॉलिटिकल वाला, ओवर डेवलप्ड का मतलब है कि आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस हो चुका है, लेकिन आपका सोशियो इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस और वो डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि इनको पॉलिटिकल डेवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, पॉलिटिकल शेयरिंग हुई नहीं है, क्योंकि सेंटर ने स्टेट को नहीं दिया तो स्टेट के पास पावर ही नहीं बची कि वो पंचायत के पास दे सके, तो इसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक गया है। तो वो आखिर में किसी ने तो बोला कि वो ओवर डेवलप का ओवर डेवलप्ड ही रह गया, मतलब इस सेंस में उल्टा बोला है उसने। नहीं, अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसको दोनों तरफ यूज कर, जैसे एक बेकार ही आपने बताया और एक जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि थ्योरेटिकली ऑन पेपर जाएंगे तो वो सही है, लेकिन अगर क्रिटिसाइज करना है तो आपकी तरफ बता दें कि इसने और जो मतलब जो ओवर डेवलप्ड की कैटेगरी थी उसके लिए और इंडिया को मतलब इट हैज द पोटेंशियल टू डू दैट। हां, पोटेंशियल टू कैटेगराइज इंडिया इनटू दिस। एक बार ये नागालैंड कम्युनिटाइजेशन स्कीम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा क्या था? वो बेसिकली डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शन का है, कि स्टेट ने एक एक करके जो फंक्शंस हैं वो कम्युनिटीज को डिवोल्व कर दिए हैं, तो फॉर देम टू मैनेज। कम्युनिटीज मतलब ये पंचायत की राज वाली या फिर और कोई कम्युनिटी होगा इससे? हाँ, एक्चुअली ये सही बोल रहा है, ये शायद इसमें नहीं आएगा ये, क्योंकि नागालैंड में, अच्छा नहीं, नागालैंड में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, वहाँ पे तो वो नहीं है ना लोकल वो वाले इनके, बिकॉज कम्युनिटाइजेशन स्कीम से, ये असल में मेरे पास जीएस में लिखा हुआ था ये पॉइंट, तो जीएस में वो इस कॉन्सेप्ट से ही था कि फंड्स डिवॉल्व, सॉरी फंक्शंस डिवॉल्व करने का बोलते हैं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एडिक्वेट फंक्शंस डिवॉल्व नहीं किए हैं, तो नागालैंड कम्युनिटाइजेशन एक्ट क्या है कि वो जो लोकल कम्युनिटीज है वहाँ पे उनको ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये सारे उन्होंने डिवॉल्व कर दिए हैं। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, कम्युनिटी जब तुम कह रहे हो तो ये यूएलबीज हैं, पंचायती राज हैं, ये है क्या एक्चुअली कम्युनिटी? ये मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, मैंने वहां से उठा के डाल दिया एंड आई डिडंट थिंक एट दैट टाइम। चलो ठीक है, देख लेंगे इसको बाकी, तो आई थिंक सारे बट आई गेस वो कम्युनिटाइजेशन जो है ना, वो अगर वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं तो इट्स अबाउट देम ओनली। हां, वही होगा और तो क्या हो सकता है। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस पे भी किसी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। टू व्हाट एक्सटेंड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एनहेंस द पंचायत, एनहेंस वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट वाज, इफ पंचायत्स आर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन देन वुमेन एसएसडीज आर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन। तो वुमेन ओरिएंटेड इधर सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने लिखा इम्पैक्ट ऑफ ऑन वुमेन बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पेक्टिवली। इट ब्रिंग्स गांधीज आइडियल ऑफ स्वराज एंड ओशनिक सर्कल ऑफ पावर।
in globalization era, decentralization system remains the principal countervailing trend to ensure inclusive growth. World Bank supports it as a mechanism for good governance. This local government bodies enhance the governance structure by enhancing accountability of elected people because of institutions like Gram Sabha and via social audit. Also greatly influenced by the life of women in specific. In a patriarchal society like India, this local bodies put forward women's issue clearly and support them in via various policies and reservation participation and enhance democracy and legitimacy. According to Ministry of Panchayati Raj, this urban government bodies not only enhance women's political empowerment but also psychological boost. 1993 election, more than 8 lakh women came forward as leadership role. 8 lakh. Panchayat has benefited from women leadership. For example, like Fatima B, her contribution is recognized by UNDP. According to All Women Panchayat from Haryana, said there are significant initiatives towards declining sex ratio. Reservation for women also one of the significant steps to upgrade their social strata. However, there also is negative implication coming into place, such as Pati Panchayat, Sudha Pai. There are lack of clarity as to the role of women in Panchayat. Roshni Pandey. Though there are some negative implications, but research shows significant positive results on women's life via the local government body. As Smita Kothari said, to get peace, human rights and against corruption, this institution are foremost important in the era of globalization. ठीक है, तो ये लिखा है इन्होंने इस पे. देखो, कुछ एडिशन करना है क्या इस पे? स्कॉलर्स तो सारे दिए ही वैसे. फेमिनिस्ट वगैरह कुछ अलग से कुछ बोलते हैं क्या इसमें? या तो फिर वो क्लास इसमें एक वो निरंजन साहू जो मैंने कोट किया था ना, उसके एक आर्टिकल से कोट किया था. वहां पे दो केस स्टडीज भी डाली थी उसने. वो मेनली उस राजस्थान और वेस्ट बंगाल का एस्टर दूफ्लो और राघवेंद्र चट्टोपाध्याय का है. Which is it? Women representation in local bodies had positive effect in adequate delivery of local public goods to disadvantaged groups. और फिर एक लक्ष्मी अय्यर की स्टडी है, that says women in local bodies help women came forward to report crimes and take up issues beneficial to women. ये वहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं. तो बाकी सुधा भाई, रोशनी पांडे और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिपोर्ट, ये दो तो उसने डाले. स्मितु कोठारी, वो शायद स्मितु कोठारी है क्या? इन्होंने एक फैक्ट डाला 8 लाख वाला, ये सही है क्या यार? ये कुछ ज्यादा लग रहा है मेरे को तो. 1993 इलेक्शन, मोर देन 8 लाख वुमेन केम फॉरवर्ड एज लीडरशिप रोल. वो पार्टिसिपेट की होंगी, इलेक्ट नहीं हुई होंगी. यार एक ही साथ हुए थे क्या सारे पंचायत के चुनाव? मतलब वैसे देखा जाए तो एक ही साथ होंगे तो इतने नंबर हो सकता है कि पहला इलेक्शन शायद साथ में हुआ हो. कितने गांव कितने अपने इंडिया में यार? डिस्ट्रिक्ट तो कुछ साफ तो है, तो गांव का पता नहीं कितने हैं. मतलब कोई आइडिया ऐसा तो आ सकते हैं. 2.5 लाख तो होंगे शायद. हाँ, 2.5 लाख. 32 लाख. कितना? 32 लाख.
यार सेंसस यार 6 लाख दिखा रहा है, 6 लाख से 10 लाख के बीच में। सेंसस 20 सेंसस 2011 में बोल रहा है 6.5 लाख के आसपास। हाँ तो ठीक ठाक है, 8 लाख तो आ ही सकती है। मतलब कंटेस्ट करी होंगी इलेक्शन, उसमें से कितनी जीती कितनी हारी वो अलग है। उसने वही लिखा है केम फॉरवर्ड। और कोई बॉन्ड है क्या इसके अंदर? वो वाला एक पॉइंट मतलब ऐड कर देना, मतलब जो निरंजन साहू ने बोला था ना, क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन बिगेस्ट मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन एफर्मेटिव एक्शन फॉर वुमेन, उसने ये स्टेटमेंट दिया था, मैंने पीछे लिखा था, रुक जा मैं ऐड करता हूँ। टोकन रिप्रेजेंटेशन किसका था ये मुझे अभी राइटर का उनका नाम याद नहीं, लेकिन देख के नोट्स में है मेरे, तुम उसको पोस्ट कर देंगे शायद, किसने बोला था वो सुधा पाई से ही सिमिलर व्यू है ना? हाँ थोड़ा बहुत हाँ, लेकिन वो टोकन रिप्रेजेंटेशन मेनली ये कि क्योंकि पार्लियामेंट में है मतलब है नहीं, तो इट्स लाइक के जो लेस पावरफुल पोस्ट है PRIs में जिनमें पावर ज़्यादा है नहीं उस पे, उसको पूरा करने के लिए इसमें दे दिया है काइंड ऑफ। ये हो गया। SDG वगैरह डाल सकते हैं क्या इंक्लूजन में? डाल तो सकते हैं, उसके साथ आपको तो और भी बोलना पड़ेगा मतलब। हाँ मतलब बोलना ही पड़ेगा वो बस कलर के लिए। कोई अपनी लोकल फेमिनिस्ट है जो इस पे बोल रही हो, डिस्कस कर रही हो कुछ? वंदना शिवम वो कुछ करके है ना, जलाल करके ऐसे समथिंग, वो पता नहीं ऐसा कुछ नाम इनका याद नहीं आ रहा मुझे। Dr. N. Raghavendra Chattopadhyay in their influential study of unchartered in Rajasthan and West Bengal found women participation in the local bodies had a positive effect in adequate delivery of local public good to the disadvantage group. Similar study by a study by Lakshmi Iyer found that having more women in local bodies helped women come forward to report crime and take up issues beneficial to women. Question 6 was urban governance has largely been missing from policy framework in this contest. Discuss the need of overhauling urban governance structure and provide reforms needed. So, 74th Amendment Act has introduced a new part. Part 10 नहीं लिखा है क्या इन्होंने? नहीं नहीं लिखा है ना? नहीं नहीं लिखा है। In the Constitution, which deals with the municipalities in an Article 243P to 243ZG. At present, despite occupying 2% of land area, cities and smaller towns provide 70% share in the GDP. Unfortunately, it won't be wrong to say that the urban governance has been neglected. As we can see, unplanned urbanization, poverty, slum, development, lack of basic amenities, rising rate of crime, etc. According to Ajay Ahluwalia, key prominent factor considered as cause behind the neglect of urban governance, a federal polity which does not empower the third tier, a biased political system towards rural area, lack of adequate institutional framework for planning and governance. Then, since urban areas are the major contributors of the fund, politicians have neglected their share of devolved power. Even leaders of national movement have neglected.
अर्बन गवर्नेंस डिस्पाइट देयर रेजिडेंस इन टाउन्स एंड सिटी to overcome challenges and to overhaul the administration of urban space, Niti Aayog in its document Strategy for New India at 75 proposes few measures like leveraging global practices and experience which bring forth cities to the center of economic growth. Suggests union government to encourage state government to transfer subjects into the in schedule 12 like special planning, land titling, etc. Bring forth innovative models of revenue collection, use of digital tech for feedback, empowering mohalla committees, capacity building of ward members. इन्होंने ये पॉइंट एड्रेस किया है कि लार्जली मिसिंग, कहाँ पे मिसिंग है, कैसे मिसिंग है. स्टेटमेंट फर्स्ट ही है ना, अर्बन गवर्नेंस इज लार्जली मिसिंग. बस अनप्लान्ड स्लम्स और इंक्रीजिंग क्राइम्स वगैरह बात है इसमें. स्टार्टिंग में बताया मुझे एक हाथ पैरा से. आलू वालिया का कुछ था ना एक कमेंट, वो ऐड किया था के बाद में किया डाला ना. तीन आर्गुमेंट डाले हैं. वैसे कुछ बताओ एक दो पॉइंट किसी के पास हो तो मिसिंग पे, अर्बन गवर्नेंस मिसिंग. हाँ वो मतलब क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल में होती है और उसको ही मतलब मेन स्ट्रीम में डाला जाता है रूरल वाला, ऐसा कुछ है ना, तो इसलिए कभी अर्बन वाला कभी पॉलिटिक्स के इसमें सब्जेक्ट कभी रहता ही नहीं है पॉलिटिकल डिस्कशन का, ऐसा कुछ भी. और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ मतलब यहाँ पे रहते हैं तो टैक्सेशन वगैरह यहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं स्टेट के वो रिलेक्टेंट रहते हैं और पावर डिवॉल्व करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को, इसलिए ज्यादा इधर फोकस नहीं किया जाता. ये पॉइंट इसमें अपन सेकंड एआरसी साइट कर सकते हैं. इस वाले पॉइंट पे सेकंड एआरसी में दिया है ये पॉइंट कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन, तो वो सजेस्ट करता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने को. जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है पॉपुलेशन का अभी जो टेरिटोरियल डिमार्केशन है उसके हिसाब से. एक पॉइंट मेरा बताना कि अपनी जो गवर्नमेंट मतलब अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर होती है और लार्जली जो कास्ट आइडेंटिटीज होती हैं वो रूरल एरियाज में ज़्यादा होती हैं, तो अपीजमेंट फॉर दैट या फिर बेनिफिट फॉर दैट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पार्टीज प्रेफर रूरल अपीजमेंट या फिर रूरल ओरिएंटेशन, तो इस बीच अर्बन कहीं ना कहीं छूट जाता है. मेरे ख्याल से ये पॉइंट बेटर होगा कि अगर कोई स्कॉलर अगर बोले तो, क्योंकि इवन अर्बन एरियाज में भी काफ़ी कास्ट का रोल रहता भी है बट रिलेटिवली कम रहता है, मतलब वी कांट से दैट कंक्लूसिवली. इस पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली अर्बन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत आता है कि अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है. लाइक पीआरआई में तो बहुत कम हो गया लेकिन जो अर्बन बॉडीज़ हैं उसमें अभी भी हम लोग देखते हैं ना कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, इवन मेयर्स होते हैं, इन सब का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व मतलब उनका मतलब ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो पीआरआई में तो काफ़ी कम हो गया बट इस अभी इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ में तो अभी भी है उनका वर्किंग में भी. ये मतलब अपने कहाँ पढ़ा है मतलब सोर्स? आई थिंक ये तो लक्ष्मीकांत में लिया हुआ है. ये लक्ष्मीकांत में भी हाँ वही बात है. लेकिन मार्केट लाइक्स में मेरे को उल्टा मिला है क्योंकि चाइना का कंपेयर करके बोलते हैं वो लोग कि चाइना में जैसे मेयर को ज्यादा पावर दी गई है जैसे लंदन से इससे कंपेयर किया है, वैसे यहाँ पे प्योरिटी की कल्चर रूरल में ज्यादा बताया है, यहाँ पे तो उल्टा ही बताया, मतलब रूरल में ज्यादा बताया म्युनिसिपल वाले में कम बताया है ऐसा. नहीं इसमें अपन पढ़ते हैं तो अपन मेयर पढ़ते हैं ना जब इसमें म्यूनसिपैलिटीज में, तो हम पढ़ते हैं ना कि वो एक ऑर्नामेंटल पोस्ट ही है वो सिर्फ वही तो. हाँ बैठता है, बाकी करने का जो काम होता है इम्प्लीमेंटिंग जो
के अंदर रहता है, वो तो आईएएस ही रहता है अल्टीमेटली, ब्यूरोक्रेट ही रहता है। इस पे भी शायद रिकमेंडेशन निकल से शशि थरूर ने भी बोला है कि ग्रास रूट्स लेवल पे मेयर को जो अर्बन लोकल बॉडीज में कि मेयर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। अभी शायद अभी उल्टा चलता है ना कि मेयर को पास, इनके पास पावर्स तो हैं बट फिर भी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं दे एक्सरसाइज मोर पावर। सेरेमोनियल कहते हैं। हाँ सेरेमोनियल है वो, आई थिंक लक्ष्मीकांत में गिवन है। बाकी तो आई थिंक ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। जैसे अगर हम देखें तो आई थिंक शायद ये मुंबई वाला जो है वो बहुत ही पावरफुल है, अगर और के हम लोग कंपेयर करें म्यूनसिपल उनको, तो मे बी आई थिंक स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर रहा है, तो काफी ज्यादा ओनस तो अल्टीमेटली स्टेट के ऊपर ही है। हाँ वही, वो स्टेट का डिस्क्रिशन हो जाता है कि फिर वो कौन सा सिस्टम ला रहे हैं। समझ मतलब एक इसके अंदर था ना, एक कोई बॉलर था उसका ये ऐसा व्यू था, मतलब वो जनरल पंचायती राज को लेके था, लेकिन अपन यहाँ पे भी उसको लगा सकते हैं। तो उसने बेसिकली दो लेवल पे बोला था, एक था द लेवल ऑफ स्टेट और मतलब एक मतलब पॉलिटिकल विल हो गई एक तो, और एक ये डिवोल्यूशन वाला जो हो गया कि सेंटर भी कल्प्रेट है और अल्टीमेटली फिर स्टेट तो कल्प्रेट है ही है, और तीसरा वो लोग इटसेल्फ के लोगों ने उसको सप्लाई ड्रिवन कर रखा है ना, डिमांड ड्रिवन। कोई याद है क्या वो कौन सा वो था स्कॉलर? हमने नोट्स में लिखा रखा था वो, तो तीन लेवल पे उसने क्रिटिसाइज किया था कि ऐसे ऐसे गलत है ये। आलू वाले है ना, तीन लेवल पे तो उसने किया था लगा। और कोई पॉइंट है क्या किसी वजह पे? मुझे वो आर्टिकल में एक मिला था वो वे फॉरवर्ड, तुमने वो डाल दिया ग्रुप पे, मतलब उन्होंने कुछ कुछ स्ट्रेटजी दी है कि कैसे इम्प्रूव की जा सकती है उसकी कंडीशन, तो वो ये आर्टिकल ही है बेसिकली, तो उसको मैं डाल दिया। We need our municipal legislation to reflect progressive enabling financial governance per city through 5 reform agendas of physical decentralization, including strengthening state finance commission, revenue optimization, fiscal responsibility and budget management, institutional capacities, transparency and citizen participation. ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। और इस बार का जो फाइनेंस, बोलो बोलो, वो फाइनेंस कमीशन ने इस बार बहुत ज्यादा अलॉट किया है ना उनको, और तो बेसिकली उन्होंने इसी के टर्म्स में ही बात की है कि म्यूनिसिपैलिटीज इन सबको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, तो काफी अमाउंट भी गया और अमृत स्कीम के अंदर भी काफी इसको प्रमोट किया गया है बेसिकली। हाँ, इस बार वो जो FRBM में रिलैक्सेशन दिया था उसमें 0.5% आई थिंक रिफॉर्म इसकी पे ही है ना, अर्बन सही है 0.25 ना, हाँ सॉरी 0.25। नंबर 7, political decentralization has not been matched by administrative decentralization at the grassroots level. Sort of. Actually, मैंने नवनीत वाला तो पढ़ा नहीं है, बाकी मेरा ऐसा ही है, मेरी आज थोड़ी जैसी थी लिख दिया मैंने। ऐसा वाला भी बहुत ही बढ़िया होता है, हर रोज ही ऐसा रहता है। क्वेश्चन है, political decentralization has not been matched by administrative decentralization at grassroots level. So, मैंने start किया कि in constituent assembly, Ghanaians raised the demand for political decentralization at grassroots level, but moderates had gone with more centralized political system. Political decentralization का meaning बताया कि aims to give citizens more power in public decision making. बताया कि फिर it was introduced in 73rd and 74th constitutional amendment in constitution. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर मैं गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन कैसे एक्सपांड हुआ,
इतना तो मॉडर्निस्ट लाइक नेहरू एंड अंबेडकर हैड लिमिटेड फेथ इन द एबिलिटी ऑफ मासेस देयरफॉर प्रेफर्ड जीरो फेस लेड डेवलपमेंट मॉडल रादर पब्लिक रादर पीपल लेड मॉडल एट ग्रास रूट लेवल दे इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP अंडर ब्यूरोक्रेसी लेड बाय ब्यूरोक्रेसी ऐसा लिख सकते हैं एज नेहरू बिलीव्ड द ब्यूरोक्रेसी विल प्ले द रोल ऑफ वैनगार्ड इन द इंडिया सोशल रेवोल्यूशन तो द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ CDP का क्या हुआ इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ किया तो नहीं लेकिन इसने कंट्री में एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया एज कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू डेवलपमेंटल ब्लॉक्स अंडर BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO ब्लॉक्स फर्दर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स ऑफ विलेजेस अंडर विद अंडर द विलेज लेवल वर्कर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीटेड एट द ग्रास रूट लेवल तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया कि कैसे ये हुआ है अब फिर इसमें क्या किया है मैंने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत एट एवरी विलेज हैविंग फंक्शंस ऑफ हाँ यहाँ पर बताया कि पंचायत के क्या फंक्शंस हैं पंचायत के तो बताया कि प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तो इनके मतलब दो फंक्शन हैं इनके प्लान प्रिपेयर करना और इम्प्लीमेंटेशन करना अपना भी प्लान और साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उनका भी लेकिन स्टडीज ऐसा बताती हैं कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन इंडिया रिमेन नॉन स्टार्टर क्योंकि उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है टू फॉर्मुलेट द प्लान एज इट वॉज एविडेंट मणिशंकर अय्यर कमेटी ने रिपोर्ट किया है कि दैट ग्रासरूट ग्राम सभा जो कि एक हार्ट एंड सोल ऑफ पंचायत थी इट वॉज कंडक्टिंग बोगस मीटिंग्स ग्राम सभा कंडक्टिंग बोगस मीटिंग्स अनदर एक और एग्जाम्पल सामने आता है मतलब ये बताया जा रहा है कि कैसे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं इस्टेब्लिश हो पाया क्योंकि सबसे पहले जो उनका मेन फंक्शन था प्रिपरेशन प्लान करने का तो उनके पास कैपेसिटी नहीं थी वो करने की तो और जो ग्राम सभा था वो बोगस मीटिंग कर रहा था वो काम की मीटिंग नहीं हो रही थी सेकेंड ये आता है कि अभी रिसेंटली गुजरात में ऐसा पता चला था कि जहाँ पर पंचायत की बोली लग रही थी मतलब कि जो ज़्यादा पैसे देगा वो ही प्रधान बन जाएगा गाँव का और वो जो पैसा है वो कम्युनिटी अपने आप अपने हिसाब से यूज़ करेगी जैसे करेगी लेकिन गवर्नमेंट ऑन पेपर दिखाने के लिए जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वो काम चलाएगा तो अशोक मेहता कमेटी कॉल्स ब्यूरोक्रेसी एज द मेन कॉन्स्पिरेटर फॉर द फेलियर ऑफ पंचायत तो जब एनालाइज किया गया तो अशोक मेहता इसको मेन कॉन्स्पिरेटर बोलते हैं बलवंत मेहता कमेटी इसको बोलती है कि ब्यूरोक्रेसी हैड ऑल द रिसोर्सेज के हाथ में सारे रिसोर्स दे दिए एंड देयर इज अ लैक ऑफ कोऑपरेशन और लैक ऑफ कोऑपरेशन देखने को मिलता है टुवर्ड्स द पंचायत और यहाँ पर क्या होता है नेक्सस भी है ब्यूरोक्रेसी का विद पंचायत लीडर्स एज वेल एज द करप्शन एट ग्रास रूट लेवल जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो गैप है वो आ रहा है धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर थी और जो ऊपर दिखाया मैंने कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन सही से नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपेसिटी तो इसकी वजह से क्या है कि वो मिसमैच रहा वहाँ पे तो इन दिस वे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हैज आउटपेस्ड The political decentralization because of it India can be categorized as overdeveloped district so while analyzing 73rd amendment act it was observed that the demand for these ab maine bataya ki iske reason kya kya hai aisa kyon mismatch hua to sabse pehle bataya ki jo after analyzation of 73rd amendment act it was observed that demand for decentralization was missing at grassroots level It was believed that because of external agencies and conditions under structural adjustment program. तो ऐसा बोला जाता है कि जो अपने यहाँ पर डेवलप मतलब अपने यहाँ पर पंचायत आया है पंचायत की राज है it was because of under the conditions of structural adjustment program as well as the pressure of external agencies. अमर्त्य सेन इसको क्या बोलते हैं कि until and unless some issues become a public matter of public debate, government should not respond. जब तक कोई चीज़ डिमांड ना हो तब तक वो नहीं आनी चाहिए ऐसा अमित सेन बोलते हैं सिमिलरली हेबरमास बोलते हैं देयर इज अ नीड फॉर पब्लिक स्पेयर एंड कम्युनिकेटिव एक्शन तो उसके बाद फिर मणिशंकर मैंने ख़त्म किया इसको थोड़ा वे फॉरवर्ड दे करके मणिशंकर कमेटी बोलती है इसको कि बैड पंचायती राज हैज बीन वर्स देन द नो पंचायती राज सो इट हैज़ रिकमेंडेड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एट ग्रास रूट लेवल इट शुड बी डिमांड ड्रिवन एंड नॉट द सप्लाई एंड देयर इज अ नीड फॉर सम सोशल movement for good governance. Therefore, to conclude, we can say that we need second freedom struggle and millions mutinies, जो कि B.S. Nepal अपनी book में ऐसा लिखते हैं, for our like second freedom struggle and million mutinies are required. Yeah.
ये अमृत सेन वाला पॉइंट मतलब ये नहीं था कि जब तक लोग डिबेट नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट उस पे रिस्पोंड नहीं करेगी, शूट की जगह वुड आएगा ना। हाँ हाँ यार उधर था लेकिन मेरे को लगा ऐसा, सही कह रहे हो एक्चुअली ये वर्ड वही था लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा बोला है कि जब तक कोई चीज की डिमांड ना बने तब तक वो नहीं देना चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या मतलब था इसका। मतलब उनका ये कहना था जब तक पब्लिक एक ओपिनियन नहीं होगा ना कि ये चीज आनी चाहिए, जब डिस्कोर्स होगा सब कुछ बातचीत होगी उनको ये पता लगेगा नहीं इसकी जरूरत है, और तब वो लोग प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पे और फिर गवर्नमेंट देगी। ये था जैसे एक प्रेशर क्रिएट कर देना, जैसे फार्म लॉज में प्रेशर क्रिएट करें तो वो फार्म लॉज रिलैक्स कर दे, उस वो आइडिया है कि जब तक पब्लिक स्ट्रांग ओपिनियन नहीं बनेगा तब तक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी उसको। जैसे लोकपाल है लेकिन इसको उस यहाँ पे क्या रिलेशन है, इसको बोलते भी है ना कि शायद बोलो मतलब इसको क्यों क्रिटिसाइज किया कि मतलब स्टेटमेंट का रेलिवेंस क्या है फिर वहाँ पे। नहीं क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने, बस ये बोला है कि जैसे तूने वो पॉइंट लिखा ना कि सप्लाई ड्रिवन है उसको डिमांड ड्रिवन बनाना है, तो डिमांड ड्रिवन कब बनेगा जब लोग खुद उसकी मांग करें, उसको डिमांड ड्रिवन बनाने के लिए अमृत सेन का वो पॉइंट है। यही बोल रहे थे कि इसीलिए बोला जाता है ना कि डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो इसलिए मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये अमृत सेन ने स्टेटमेंट बोला था कि आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो बट जो मेथड आप प्रोसीजर ले रहे हो वो काइंड ऑफ इम्पोजिशन हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर ये सब जो कुछ भी है वो पॉलिसी से रिलेटेड वो सारे तो सेंटर ही बना रहा है ना। डिसेंट्रलाइजेशन टू सेंट्रलाइजेशन मैं उसका भी डाल सकते हैं जेपी नारायण का कि वो बोलते हैं कि राजनीति नहीं लोकनीति को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ। राजनीति को क्या बोलेंगे वो, सेंट्रलाइजेशन हमारे सॉर्ट ऑफ उससे सही। तो थोड़ा सर मे बी पॉलिटिकल स्फीयर में ज्यादा है उसको ब्यूरोक्रेसी में यूज करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। राजनीति मतलब पॉलिटिकल समथिंग पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं वो पता नहीं यार सही लगेगा क्या। क्वेश्चन हाफ एक वाला होता तो भी आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन से होता ना या कुछ अलग होता। रिपीट है ना वो जो हाफ पेक केक वाला है वो भी तो ऑलमोस्ट अगर ये अगर क्वेश्चन वो होता तो भी तो हम सिमिलर ही लिखते हैं कुछ और लिखते कुछ कुछ चीजें तो ऑब्वियसली कॉमन रहती है लेकिन इसमें जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है तो वो बताना तो बढ़ जाता है कि ब्यूरोक्रेसी का रोल कितना बढ़ गया था उसके कारण वो है, तो वो मेन फैक्टर तो रहना ही पड़ता है यहाँ पे। बट रहा है कि तो वो वाला पॉइंट भी इसमें मतलब कमेंट की तरह तो ऐड कर सकते हैं ना। हाँ वो हाँ कमेंट की तरह ऐड करेंगे वो हाफ बेक में लेकिन इसमें इसका कोर में रहेगा ना कि ब्यूरोक्रेसी को अपन को ये बताना पड़ेगा कि वो ज्यादा डेवलप हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन दूसरी चीजें रह गई ऐसा लग रहा है। हेलो हाँ हाँ नहीं मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन 8 एक्स्ट्रा डालो फिर मुझे लगा कि ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अलग से नहीं डाला। इसमें ये लिख सकते हैं क्या मतलब ये हाफ बेक केक वाला जो अगर बात करते हैं तो जो हम ओवर डेवलप स्टेट की बात कर रहे थे अब वो ओवर डेवलप स्टेट हम लोकल लेवल पे भी देख रहे हैं कि वो जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो तो डेवलप हो गया लेकिन जो सोशल स्ट्रक्चर है अभी वो अभी भी प्रिमिटिव है। ये डालना सही रहेगा लग तो सही रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ओवर डेवलपमेंट ऐसा कुछ। हाँ मतलब वो थ्योरी भी रिलेट हो जाएगा और आई थिंक उस चीज से रिलेवेंट भी लग रहा है कि हमने ना ब्यूरोक्रेसी को इतना एम्पावर कर दिया कि जो एक्चुअल सब्सटेंटिव वैल्यू था लोगों को एम्पावर करने का वो अपना टारगेट कहीं ना कहीं मिस रह गया, तो आई थिंक मे बी उस सेंस में थोड़ा सा रिलेट कर। लोकनीति वाला किसने बोला वो तो जेपी नारायण था।
ये वो इसने वो लिखा था ना लास्ट में वो मल्टीपल म्यूटिनीज, तो वैसे तो उन्होंने भी मतलब उसी लाइंस पे बोला था, तो मेरे को वो याद आ रहा था कि उन्होंने ऐसा बोला था कि राजनीति नहीं लोक नीति से चलना चाहिए ये स्टेट, और इसके लिए संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। और जब उन्होंने ये बोला था उसी के बाद वो इमरजेंसी लगा दी थी उन्होंने, इंदिरा गांधी। एक नवदीप ने भी लिखा, नहीं थी किसने लिखा वो भी देख लो। गौरव यार आप पढ़ दो इसको। हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है सबको। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हैज नॉट मैच्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं ये। इन इंडिपेंडेंट इंडिया ए डिबेट स्टार्टेड ऑन विच मॉडल ऑफ गवर्नेंस इंडिया शुड फॉलो। नेहरू एंड अम्बेडकर प्रेफर्ड स्टेट लेड डेवलपमेंट व्हाइल गांधी कॉल्ड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। However, the ideas of our founding fathers let down in the DPSPs. Nehru started community development programs, established block in every district, but it failed badly. First phase of Panchayati Raj institutions got same significance. In the second phase during 1970s to 80s, it was near stagnant. Policy like IRDP more to centralize the government authority over rural administration. The real phase of decentralization started with the 73rd and 74th constitution amendment, but it was not to the will of the government, but was forced to introduce PRI. IMF obligation, opening up of market and economic reform opened the process of political decentralization. Political government was not ready to share the power with the scarcity of with the local level government. There was scarcity of funds without any proper policy planning. Bureaucracy was adamant to the losses of its autonomy, and there was constraint in structural setup. Center was reluctant to share power with the state and the state with village administration. Gram Sabha was avoided with away duties and the corruption was high. Ashok Mehta says Panchayati Raj institutions not failed, it was made to fail. There was no pressure for bureaucracy, no responsibility. Reservation given to women, SCST remained on paper. Reservation given to women, SCST remained on paper. There emerged a concept of Pati Panchayat and proxy candidate, which broke the very essence of PRI. Political power without administrative power is like skeleton without flesh. Thus, we need to strengthen state financial commission in terms to the finance commission, state election commission, in congruence with Election Commission of India, to give it more financial and administrative options. Duly, then the goal of PRI will be realized. Civil society, Gram Sabha must given power like in PESA Act, so as to take it more reliable. Mm-hmm.
स्टार्टिंग तो शायद सेम ही है मतलब सिमिलर ही है, टू पॉइंट्स शायद डिफरेंट है बट सेम ही है, एक गांधी वाला और फिर मॉडर्निस्ट वाला जो अम्बेडकर और डिबेट वगैरह वो सेम ही लग रहा है और जैसे फिर मैं तो वो कमेटी रिपोर्ट उसको बता दिया कंस्पिरेसी वगैरह फिर लैक ऑफ कोऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी वाला डाल दिया शायद इसने डाला कि ब्यूरोक्रेसी वाला ने वो मेन था ना इसमें आवाज कट गई क्या मेरी ब्यूरोक्रेसी वाला आई थिंक वो फर्स्ट में डाला ना ये ब्यूरोक्रेसी वाज एडमेंट टू लूज इट ऑटोनॉमी वो ये पॉइंट डाला यहाँ पे था मतलब थोड़ा उसको कोर बनाना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा बोल दिया ना उसने मैंने डाले इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक सेड पंचायत शुड नॉट जस्ट रिमेन एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंड डिस्पर्सिंग बॉडी बट आल्सो बिकेम प्रोडक्टिव बॉडीज दैट ओन एंड कंट्रोल द डायरेक्ट प्रोडक्शन there was no institutional decentralization except in Kerala I think uska example bhi de sakte hain like Kerala model and Maharashtra model ka Kerala ka to I think ye COVID-19 mein bahut better perform kiya tha initially just because unhone pehle se hi kafi behtar kar rakha tha ye decentralization ka apna model एक्चुअली वही डिसेंट्रलाइजेशन ये लिखा है ना कि हाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन से बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर इनके पास आता है एंड प्राइमरी हेल्थ केयर जहाँ पे भी अच्छा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरह की सिचुएशंस को दे कैन हैंडल बेटर तो दैट्स व्हाई केरला का परफॉर्मेंस स्पेशली डेथ रेट के मामले में अच्छा रहा है इवन जर्मनी का भी एग्जाम्पल देखेगा ना तो मतलब एक एडवर्स डेमोग्राफी होने के बाद भी दिन का डेथ रेट कम रहा है बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड एट ग्रास रूट्स लेवल प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह में हाँ ये केरला में दो चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं हाँ बोल बोल प्लस एक बार रिपीट करना क्या बोला मतलब ये ग्रास रूट लेवल में अगर गवर्नमेंट रहता है ऑटोनॉमी रहती है तो बेटर चेक रहता है अकाउंटेबिलिटी में इंश्योर हो जाती है तो सोशल इंडिकेटर जो इनका डोमेन रहता है उसमें अच्छे से कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन और दूसरी चीजों में हमारे केरला वाले में ये दो दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे जो इन्होंने डिवॉल्व कर रखे थे एक तो हेल्थ का रखा था और दूसरा पीडीएस का रखा था तो पीडीएस इसके चक्कर में गाँव तक भी मतलब टू एवरी विलेज दे हैड देयर ओन पीडीएस सिस्टम पहले से ही डिप्लॉयड था उनको इतनी दिक्कत नहीं हुई पीडी मतलब खाना वगैरह पहुंचाने में एक थोड़ा सा वो कहते हैं एडवांटेज था इनका केरला का इस ओके मैम ने भी ये लिखा है कि इनके पास सिर्फ डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस नहीं होना चाहिए मेरा बहुत लैग कर रहा है आवाज हाँ थोड़ा सा लैग कर रहा है तुम बोल बोल नहीं नहीं ठीक है ठीक है बोल दे अब वैसे सही आ रहा है आई थिंक अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट है वहां पे ये डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शनरीज वगैरह आना चाहिए था ना कि वो साथ साथ नहीं हुआ करके कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन तो हो चुका है कि आपके पास ग्रास रूट्स लेवल पे लीडर्स हैं बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है कि जो पंचायत के फंक्शनरीज वगैरह होंगे उनको अपॉइंट करने का इनके पास पावर्स नहीं है एंड वही उनका कैपेसिटी बिल्डिंग वाला इश्यूज है ऐसे टाइप उसी को शायद रिफॉर्म करने के लिए कुछ अभी मेजर्स भी लिए गए हैं
कुछ पंचायत स्टाफिंग रूल्स वगैरह बनाए हैं, एंड एक सुमित बोस पैनल था उसके कुछ रिकमेंडेशंस थे ना, क्या थे, पंचायत सेक्रेटरी वगैरह होना चाहिए सेपरेट, एक डेवलपमेंटल फंक्शंस के लिए, एक पंचायत रिलेटेड पॉलिटिकल फंक्शन ऐसा कुछ था, मैं देख के डालता हूँ उसको, बट वो पॉइंट सही है ना कि फंक्शनरी इन्वोल्यूशन होना चाहिए. हाँ पॉइंट तो सही है. आई थिंक इसमें ना एक आंध्र प्रदेश ने, अगर किसी को पता हो तो, उन्होंने ना एक नया यूनिक सा मॉडल लेके आया, तो शायद ग्राम सेक्रेटरीट था, देखो एग्जैक्टली पता है क्या, मतलब उन्होंने ऐसा कर रखा था कि हाँ ग्राम सेक्रेटरीट. अच्छा हाँ वरुण विलेज सर. हाँ वॉलंटियर. करेक्ट करेक्ट. वो थोड़ा सा स्कीम एलैबोरेट करो वरुण. लाइक ही विल गिव लाइक 5,000 और 6,000 टू द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द सेम विलेज. सो इट इज लाइक सेम एज द लाइक दिल्ली. Anyone has a problem with that, they will these volunteers will go and like filling form in bank or something, any problem like sending money regarding pension, and if there are old age people, they will take these 5 kg of rice and deliver it to home. मतलब वो स्कूल का नाम क्या है पूरा, ग्राम ग्रामा से वॉलंटियर. नहीं, एक सेक्रेटरीट करके भी तो है, एक विलेज सेक्रेटरीट. एक मिनट, सच्ची वाले बोले. हाँ मतलब सच्ची वाले तो पता नहीं वो आंध्रा में यूज करते हैं कि नहीं करते, बाकी था आइडिया यही था कुछ विलेज सेक्रेटरीट बनाने का. वो ये नहीं था कि हाँ कुछ सभी हाँ हर घर पे वही. एक. मतलब हर विलेज में एक सेक्रेटरीट होगा और उसके अंदर वो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड यूथ वाला, तो आई थिंक वो लोग अनएम्प्लॉयड यूथ वाला तो अपन इकोनॉमिक्स या जीएस के परस्पेक्टिव से अपने लिए सही रहेगा. बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबस्टैंडर्ड लेवल पे हम सजेशन दे सकते हैं कि इस टाइप का ये आंध्रा का जो स्कीम है ये काफी मतलब And it is a successful experiment actually. करेक्ट करेक्ट, काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है. मुझे वो केरला में तो I couldn't explain much, but it is much more than what we like imagine. Like in COVID times, they helped a lot. Like this home delivery thing worked a lot. Actually, they took this idea from Delhi itself, I think. Like he also did the same thing, right? Home delivery thing, like license, everything. Any bank issue from the क्या अभी अपने और भी पॉइंट्स डालते हैं इस पे. विलेज इन द वार्ड सेक्रेटरीट एम्प्लॉयड ओवर 4.5 लाख वार्ड पीपल. सचिवालय वॉलंटियर आर यू टॉकिंग अबाउट ग्रामा हाँ ये वार्ड. सचिवालय वॉलंटियर रिक्रूटमेंट. तो इसमें 4.5 लाख पीपल इन द रिकॉर्ड टाइम, 4 मंथ ऑफ वाईएसआर कांग्रेस कमिंग टू पावर, ही सेड ऑब्जर्विंग द आइडिया एस्टैब्लिश स्ट्रक हिम व्हेन ही फाउंड ड्यूरिंग प्रजा संकल्प यात्रा. ये बाकी तो पॉलिटिकल न्यूज है. सुमित बोस कमेटी रिकमेंडेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट फॉर बेटर आउटकम फॉर ह्यूमन राइट्स फुल फुल टाइम सेक्रेटरी फॉर एवरी पंचायत, बोथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, फॉर्मल ट्रेनिंग टू ग्राम रोजगार सेवक, फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी रेगुलर मीट्स प्लस 7 डे प्रायर नोटिस प्लस सोशल ऑडिट, ग्रेटर यूसेज ऑफ आईसीटी, ट्रांजेक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग डेटा बेस प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ई प्रोक्योरमेंट, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड शुड बी डेवलप फॉर ऑल एसेट बीइंग क्रिएटेड थ्रू रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है तो ये था. केरला में देर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश पंचायत ओम्बड्समैन, पीपल कैन रजिस्टर कंप्लेन्स ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन बाय द पंचायती राज ऑफिशियल. हाँ इसमें बाकी एक हरियाणा का रिकॉल वाला भी था, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर रिफॉर्म्स में डालने का है तो. नेक्स्ट पे चलते हैं आज केस में. आज तो जानू तूने अभी डाला है ज्ञान से इस पे फोर्थ पे. जानू बाहर है उल्टा.
वही वाला देख लेते हैं। आई थिंक किसी का पुराना आंसर है, मैंने नहीं लिखा है वो, उनको मिला था, मैं आज लिख नहीं पाया था उनका आंसर डाला है। तो प्रोविजन एंड वर्किंग ऑफ पैसा एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स ट्राइबल एरिया अंडर शेड्यूल 5 एंड 6, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स आर आइडेंटिफाई अंडर आर्टिकल 342(1) एंड 2, हाउएवर द राइट टू सेल्फ असर्शन हैज बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 244 अंडर पार्ट 10, पंचायत एक्सटेंडेड शेड्यूल एरिया एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1996 हैज बीन कंसिडर्ड एज अ जायंट लीप टूवर्ड्स ट्राइबल डेवलपमेंट। Provision of Act giving the right to govern themselves. This seeks to help tribal areas preserve their cultural identities, tradition of people. Besides, it seeks to encapsulate as per customary law on one side and socio-economic practices on the other side, seeking to establish Gram Sabha on one side and giving proportionate representation to scheduled tribes at all levels proportionately. However, all the post of respective chairperson is reserved for scheduled tribe. Then state legislature to make provision to nominate the SPs not represented accordingly. So maximum nominated is 1/10 of the membership hai. Gram Sabha to control the natural resources, decide on dispute resolution and control institution like schools, community areas, etc. Then Gram Sabha to be controlled for the task of land acquisition or mining or licenses. Paisa Act has been, however, considered a toothless law for a variety of reasons. First, seeking of disenfranchised tribes. The either-or approach between Gram Sabha and Panchayat legitimizes centralizing tendency of state legislature. Then, erosion of tribal leadership. People turning to police, courts, village kutum. Over village kutum. Then states act override Paisa Act. This leads to ignorance of government on one side and crushed by industrialization on the other. Then even in the schedule fifth area, PRIs are given importance over PS Paisa. Then Paisa Act seeks to bring out the scope of self-governance among tribal areas. Given a chance, it has potential to address the injustice among the tribal areas. Paisa Act to केवल schedule 5 को implement हुआ ना, schedule 6 के लिए थोड़ी है पैसा। हाँ 5 के लिए है। I think तो यहाँ पे गलती करते हैं। क्वेश्चन पैसा को लेके था कि प्रोविजन और वर्किंग बताना अपने को, वही स्टार्टिंग का शायद इंट्रो शायद वही दिया है कि कैसे क्यों इनेक्ट किया है शेड्यूल 5 में, ताकि वो ये नहीं हो पा रहा था ना पंचायत अपन इनेक्ट उसको ये नहीं कर पा रहे थे, अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, एक्सटेंड करने के लिए वो डाल दिया उसने, प्रोविजन वगैरह दे दिए कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर प्रोविजन बता दिए। ग्राम सभा सबसे पहले इस्टेब्लिश करता है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन चेयरपर्सन को एसटी को ही रिजर्व देता है, मतलब रहता है उसका। और वो जल जंगल और क्या था, जल जंगल और जमीन कंट्रोल के लिए, जल जंगल ये क्या गांधी का था क्या, गांधी का तो नहीं था यार, ट्राइबल नक्सलिज्म का, ये नक्सलिज्म का है ना एजेंडा। जल जंगल जमीन करेक्ट, नक्सल आई थिंक इसमें वो भी डाल सकते थे, नेहरू का पंचशील, उसके पंचशील का एक वो व्यू लेके उसी की गाइडिंग लाइट में ये पैसा तैयार किया गया है। आई थिंक मतलब वो उसके लिए भी अच्छा है, मतलब वो पंचशील हां मतलब यही कह रहा था कि पंचशील थोड़ा सा वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा कि उनके आइडियाज थे और उसे सब किया गया है पैसा को। वही वाला मतलब ग्राम सभा को फिर कंट्रोल दे दिया गया वाटर बॉडीज के लिए, वो अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह और नेचुरल रिजर्व का कंजर्वेशन के लिए, तो उसमें वो उसने दे दिया लैंड एक्विजिशन और माइनिंग लीजेस के लिए आपको ग्राम सभा को कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर लोकल बॉडीज को पावर देने की बात की है ताकि कस्टम और ट्रेडिशन से एडजस्ट हो गया, क्योंकि वो ये नहीं होना चाहिए नाटक। फिर अपना टूथलेस उसने फिर वो बता दिया टूथलेस लॉ है वगैरह, इसकी वर्किंग का क्या प्रॉब्लम है कि
एक जगह इसको फायदा हो जाता है, दूसरी जगह उसको दूसरे को फायदा हो जाता है, मतलब अगर स्टेट लॉज अगर आते हैं ठीक है तो वो ऑटोनॉमी को खतरे में डाल सकते हैं जो इनके ट्राइबल्स वगैरह के, तो ऐसा नाटक हुआ है। फिर उनका खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला था, मतलब विलेज कुटुंब वगैरह चल रहा था, लेकिन अब वो पुलिस कोर्ट में जाते हैं, जिसको जहाँ सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह जहाँ मिल जाए फायदा वो वहाँ पे चल जा रहा है, लेकिन उनका पहले से इनबिल्ट एक स्ट्रक्चर था, वो ये नाटक मतलब वो डिजोल्व हो रहा है ऐसा तौर पर बोला है। फिर एक पीवी राजगोपाल का था, पैसा एक नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, ऐसा कुछ बोला था उसने। वो भी शायद एंड में डाल सकते हैं। मैं और कोई आइडिया किसी के पास? क्या करना चाहिए मतलब, फाइनेंस वो 3 F's है ना, उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? अनफंक्शन फंक्शन ही जो है क्या करेगा कोई पता है कोई? गांधी सर्वोदय, और जहां पे भी डाल सकते डाल देना चाहिए। सही है। फॉरेस्ट ट्रेड सर, डिड यू इंक्लूड दैट फॉरेस्ट एक्ट 2006 या टू कलेक्ट माइनर प्रोडक्ट्स? सेकेंडर थोड़ी वो अलग एक्ट हो गया ना। हाँ वही तो, हाँ शेड्यूल एरिया में होता है, फॉरेस्ट शेड्यूल एरिया लाइक। नहीं तो स्केड्यूल एरिया और फॉरेस्ट एरिया तो डिफरेंट हो गया ना। जी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का स्ट्रक्चर और इसमें क्या फर्क है, दोनों अलग है ना, पंचायत और ये? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और पंचायत अलग अलग है ना? हाँ है तो अलग हाँ अलग। अलग, ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इट इज फ्रॉम लाइक शेड्यूल्ड एरिया, इट इज मोर ऑटोनॉमस इलेक्टेड बॉडी एंड इट इज इलेक्टेड मोस्टली लाइक अमॉन्ग द ट्राइब एंड सम फ्रॉम गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, लाइक इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर पीपल लाइक दैट। 30 मेंबर तो एडीसी में होते हैं ना, इसमें तो आई थिंक सर 20 मेंबर था, 15 मेंबर जो स्टेट के ही जो लेजिस्लेटिव एमएलए जो थे ना जो ट्राइबल से बिलोंग करते थे उनको डालते हैं ना, आई थिंक 5 सीट जो है उसमें वो गवर्नर को नॉमिनेशन का देते हैं, ये है ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। फिर से बोलो, 15 कौन रहते हैं? 15 तो जो स्टेट के जो एमएलए रहते हैं ना जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए रिजर्व रहता है, और 5 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो शायद अपन ये बोल सकते हैं कि इनके इंटरेस्ट को ये ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंचायत से। अच्छा ठीक है। पोजीशन तो एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं दिया, बट आई थिंक यही होती है सर, एक बार और कंफर्म कर लेना कोई से, तो यही होती है कंपोजिशन। हाँ तो क्या कह रहा था यार क्रश? क्या हाँ, मतलब कुछ पॉइंट बोल रहा था ना इसमें। अपन को ये बताना है जैसे टूथलेस लॉ है और वो वर्किंग इसकी अच्छे से नहीं हो रही है, तो शायद ये बता सकते हैं कि ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल ज्यादा अच्छे से उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पा रही है विद रिस्पेक्ट टू पंचायत जो है, क्योंकि पंचायत में तो आपके दूसरे लोकल वाले भी आते हैं ना ट्राइबल जो नहीं रहते हैं।
बट ये ट्राइबल एडवाइजरी, तो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ना केवल एडवाइजरी है. अच्छा हां, वो भी. एंड इट हर्ट इट इज फॉल्स आल्सो, लाइक इट इज लाइक मोर पावर हंग्री पीपल आर सिटिंग इन दिस, लाइक एंड गवर्नमेंट नॉमिनेट्स राइट सम पीपल एंड इट इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव लाइक दैट. इट हैज इट्स ओन डिसएडवांटेज. अच्छा उल्टा है कि मतलब नॉमिनेशन तो वैसे सही भी है, टोटल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उल्टा हो गया. ठीक है, तो अपन ने पॉइंट क्या क्या ऐड किए इसमें. एक तो पंचशील हो गया नेहरू का, और कोई पॉइंट है क्या? समीप ग्राम सरोवर बोल रहे थे. हाँ समीप, गांधी का ग्राम सरोवर है. और कोई इसमें तो जल जंगल जमीन. हाँ यार, वो वाला पॉइंट कैसे फ्रेम करोगे इसके अंदर, वैसे तो वो है ना. लास्ट समीप, ये पॉइंट कैसे फ्रेम करें इसके अंदर. वही मतलब रीजन फॉर देयर रिवोल्ट जो रहता है हर बार क्या क्या समझे. सिंस लाइक ब्रिटिश टाइम दे वर डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग दिस फॉरेस्ट वेल्थ राइट, लाइक झूम कल्टीवेशन आल्सो दे कांट डू इट. So that way it started as a jal jangal zameen like that. And this finance also, like landlord gives finance and they take 150% of more interest, so they encircle them in a debt trap, so like that. Addressing their concern. Money lenders ka bol rahe ho kya? Haan, money lenders, yeah. आई थिंक ये पैसा के अंदर ये पॉइंट स्पेसिफिकली है कि मनी लैंडिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे पैसा एरियाज के अंदर. ये जो ट्राइब हो ग्राम पंचायत रहेगी वो, क्योंकि वो संथाल वगैरह वाले में ये देखा ही गया था कि जो जमीनें गई थी बिकॉज ऑफ दोस आउटसाइडर मनी लैंडर्स गई थी, तो ये स्पेसिफिकली प्रोविजन है उसके अंदर इसे डील करने के. okay. In a remedy to that, to a panacea, it acts like, it acts a panacea to that thing, like revolves, this act, like that. Panacea to thoda sa heavy tham ho jayega, but haan, ye ek solution. Remedy, haan. Remedy tha. Theek hai, koi aur point kisi ko mile to yaar, raise kar dena iske andar. Next to... bring out the common and unique feature of 73rd and 74th constitutional amendment act of india. so i think ye to general hi tha, फटाफट से इसको एक बार डिस्कस करके खत्म करते हैं. तो बता दो क्या-क्या यूनिक पॉइंट्स थे 73rd में. स्टेट फाइनेंस कमीशन. स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग planning commission and planning implementation, gram sabhas where a registered voter can deliberately practice. Women reservation. Women reservation. वुमेन के अलावा एस सी एस टी भी है ना, सभी रिजर्वेशन है. और वो वॉलंटरी था कौन सा एस सी एस टी के लिए? वॉलंटरी थोड़ी है, कंपलसरी है मेरे ख्याल से. वुमेन, एस सी एस टी, वुमेन तीनों कंपलसरी. एस सी एस टी तो देखे बैकवर्ड क्लासेस के लिए. हाँ बैकवर्ड क्लासेस वॉलंटरी. इलेक्शन
फाइनेंस कमीशन बोला क्या? स्टेट फाइनेंस कमीशन? हाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है। कॉमन एंड यूनिक पॉइंट्स, वही आगे ना, सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी में। इसके अलावा मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन भी कर दिए थे, जो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही था कि वो बना तो दिया था लेकिन इलेक्शन रेगुलर नहीं कर रहे थे। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, लेकिन ठीक है वो तो नॉर्मल पॉइंट ही है वैसे। ग्राम सभा बोल दिया था ना। कैन वी इंक्लूड द स्कीम, ई पंचायत स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक ऑनलाइन ऑडिटिंग सिस्टम एंड राष्ट्रीय अभियान? ऑडिटिंग तो टैग ही हो गया ना, बट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है क्या एक्ट में कि कौन ऑडिट करेगा? एक ये 21 ईयर्स मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, बाकी सब जगह 25 है, मतलब एमएलए और एमपी वाले तो। टेन्योर भी है 5 साल का, वो मैंडेटरी इलेक्शन, वो सारे पॉइंट्स एक साथ ले सकते हैं ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एसईसी है, स्टेबल के लिए फिक्स फिक्स टेन्योर है, और एक और क्या पॉइंट बोला था, मैंडेटरी इलेक्शन, मैंडेटरी इलेक्शन भी है। और इसके अलावा अपने आई थिंक बात करी थी वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। एग्रीगेशन ना, टैक्स मतलब कलेक्शन रूरल और पावर, अर्बन प्लान्स का एग्रीगेशन होता है ना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, यही होता है ना एग्रीगेशन ऑफ प्लान। ठीक है, और सोशल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऐड कर दिया। हाँ, कॉमेन तो वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। थर्ड टीयर इन फेडरल पॉलिटी, अच्छा ये पंचायत वाले में तो ये 3 टायर होता है अपने 74th, तो उसमें अर्बन में कुछ टायर वगैरह कुछ होता है क्या? वो सेम ही लाइन्स पे हो गया ना, जैसे विलेज का बात करोगे तो वहां पर पंचायत हो जाएगा, और जब सिटीज का बात करोगे तो वहां म्युनिसिपल हो जाएगा। नहीं मतलब 3 टायर, वो अपना ग्राम सभा वो, और वो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल वैसे वाला, और म्युनिसिपैलिटी में भी 3 टायर वगैरह कुछ होता है क्या? म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, म्युनिसिपल। उसमें तीन टाइप दिए हैं, वो टाइप है, वो थ्री टीयर नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है वो शायद पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, म्युनिसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन नगर पंचायत ऐसा। करेक्ट करेक्ट, वो पॉपुलेशन के हिसाब से है। और रूरल एरियाज में 3 टीयर है कि वो प्रॉपर, वो इंटीग्रेटेड वो है। डिफरेंट ही पहले मतलब। डायरेक्टली इलेक्टेड कुछ रहते हैं, फिर वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट कुछ लोगों को करते हैं हायर लेवल पे, ऐसे करके वो इंटीग्रेटेड है वो पूरा स्ट्रक्चर। मेरे को स्पेसिफिक्स याद नहीं है अभी, बट ऐसे ही है। तो वहाँ 3 टीयर स्ट्रक्चर है, यहाँ 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल गवर्नमेंट दी है। हाँ तो यूनिक फीचर भी बताने हैं ना अपन के दोनों के। आई थिंक वहाँ पे ये चीज़ डाल देंगे कि 3 टीयर है और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर 3 टाइप है ब्रॉडली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। हाँ ग्राम करेक्ट, न्यायालय, वो आई थिंक इसके अंदर थोड़ी है। टैक्सेशन पावर्स वगैरह पंचायत का, हाँ अपना
raise their own revenues type. The state fund finance वाले points में दोनों को साथ में डाल सकते हैं. I think इनका वो basket है ना voluntary sorry compulsory provisions जो है उसमें भी difference है. कुछ एक सब्जेक्ट आई थिंक म्युनिसिपल में शायद कम दे रखे हैं या मे बी ज्यादा दे रखे हैं. आई एम नॉट श्योर. 29 and 18 29 शायद रूरल वाले हैं 18 सब्जेक्ट्स अर्बन में. तो आई थिंक वो भी है कि डिफरेंस थोड़ा दे रखा है कंपल्सरी और वॉलंटरी. तो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन में तो दोनों में कम है ना. फाइनेंशियल डिवोल्यूशन लॉ एंड ऑर्डर का भी उनको दिया नहीं गया है. मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो दोनों में ही नहीं है ना. हाँ वही. और टैक्सेशन की इनको दिया है ना, लेकिन टैक्सेशन तो दिया है शायद थोड़ा थोड़ा. टैक्सेशन दोनों को दिया है लेकिन एप्लीकेशन की बात आ जाती है. आई थिंक म्युनिसिपैलिटीज थोड़ा बेटर मैनेज कर रही हैं. बेटर करती हैं. और कोई यूनिक फीचर वो जो अपन ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे ना कि जो अमीब ने पॉइंट रेज किया था वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है टेरिटोरियल का प्रिंसिपल के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब. हाँ पॉपुलेशन के हिसाब से क्या था वो कॉलर क्या था एलोकेशन ऑफ सीट नॉट इन अकॉर्डेंस विद राइजिंग पॉपुलेशन. यार वो शायद है वो एक्चुअली सेकेंड एआरसी का पॉइंट था और वो क्या कहते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में था शायद. तेरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट है ना वहां पे भी जो रिप्रेजेंटेशन वहां पे भी जो सीट्स के एलोकेशन है वो उस कॉन्टेक्स्ट में था. वो उसको वो कहता है कि उसमें बैलेंस होना चाहिए. तो जैसे मोस्ट प्रोबेबली अभी जो नया अपना अगर डिलिमिटेशन होता है तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि अर्बन सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और रूरल रिलेटिवली कम होंगी जो कि हम वैसे भी काफी डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखते हैं. तो वहां पे अर्बन एरियाज में खाली से अभी यूएस इलेक्शंस के टाइम पे भी वैसे ही चल रहा था ना. तो उस तरह का वो पॉइंट था कि रूरल अर्बन इम्बैलेंस है इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट पॉपुलेशन जो कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है. हाँ तो वो जब हम अर्बन गवर्नेंस की बात करते हैं ना तब वहां पे डाल सकते हैं वो वाला पॉइंट कि ओवरऑल जो अर्बन एरिया का गवर्नेंस है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है अर्बन एरिया का वो प्रोपोर्शनेट नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. इवन एट स्टेट लेवल एंड पार्लियामेंट लेवल वो प्रोपोर्शनेट नहीं है. तो खाली मेरे ख्याल से वो वाला पॉइंट अर्बन गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में सही रहेगा. ठीक है तो यार इस पे और कोई पॉइंट मिले तो डाल देने कर लिया. नेक्स्ट पे चलते हैं. शानू तेरा वाला रह गया था. हाँ सर मैं बहुत छोटा आंसर लिख रहा हूँ मैं कर देता हूँ. इशू हुआ था कि एक्सप्लेन द लिंकेज बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड ग्रासरूट डेमोक्रेसी एंड प्रेजेंट द रिकॉर्ड ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. तो शुरुआत में इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ विच ग्रासरूट डेमोक्रेसी हैज बीन अ ह्यूज पार्ट. इट डिनोट्स पीपल ड्रिवन कॉन्ट्रीब्यूशन इन इलेक्शंस डिसीजन मेकिंग गवर्नेंस गांधी स्वराज एमन रॉय रेस्टल डेमोक्रेसी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय आर इंडियन वर्जन ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी. ऑल दीज मॉडल्स एम फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विच इज मैनिफेस्टेड इन द
Indian Constitution through 23rd and 74th Constitutional Amendment Act, creating an institutional framework for self-governing local bodies in both rural and urban areas of the country. मैंने इसको गुड गवर्नेंस से लिंक किया कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्राफ्ट डेमोक्रेसी इनेबल पीपल टू फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी व्हिच आर द पिलर्स ऑफ गुड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हैव बीन द व्हील कैरिंग क्राफ्ट डेमोक्रेसी फॉरवर्ड थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन लैंड रिफॉर्म दस इंश्योरिंग एसडीजी 1 ऑफ इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड एसडीजी 2 ऑफ जीरो हंगर and involvement of local bodies in healthcare sector, water and sanitation, along with primary and adult education, uphold SDG 3, 4, 6, which consequently help achieving the goal of decent work and economic growth, SDG 8. And reservation for women in panchayat, healthcare and SDG 5 or gender equality, and moreover, mandatory reservation for SC and ST and voluntary reservation for backward class, ensuring inclusive growth. Hence, not just politically, grassroots democracy has helped India to evolve socio-culturally by generating a new leadership method and bridging the gulf between bureaucratic elite and the rest. Thus, Atul Kohli rightly states that PRIs are untapped resources to achieve inclusive growth, which has a long way to go. You may have to use the hunky-dory notes to come to the next year. I should have mentioned some limitations also, and then given some solutions. कि कैसे वो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में खामियां आ रही है अभी भी उनको बाकी गुड गवर्नेंस वाले को कैसे बढ़ाएंगे अगर किसी के आइडिया हो तो मैंने तो एक ही पैराग्राफ ही खत्म कर दिया सारे पॉइंट एक साथ डाल के वो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी वो पॉइंट डाला था कि प्रॉक्सिमिटी टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके कारण बेटर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं लोकल नीड्स पे नहीं। मतलब एक गुड गवर्नेंस का एक रीजन वो भी होता है ना कि प्रॉक्सिमिटी रहती है तो अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रहती है शायद इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला था 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में आई थिंक वो वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं ना कि जो 1991 का जो बीओपी क्राइसिस हुआ था और उसके बाद स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट प्रोग्राम जो दिया था तो उसमें ये स्पेसिफिकली प्रोविजन था गुड गवर्नेंस का तो उसी को सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसी को एक फ्लैश एंड ब्लड में फॉलो करने के लिए हमने हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक पंचायती राज वाला उस पे ज्यादा जोर दिया सही रहेगा क्या ऐसा कहना सही रहेगा मेरे को ऐसे कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह में कहीं क्योंकि तो डायरेक्ट कोरिलेशन है ना गुड गवर्नेंस और उसका ऑलमोस्ट आया भी सेम टाइम पे ही हुई करेक्ट करेक्ट अलावा और कोई पॉइंटर आई थिंक वो चैलेंजेस वाला पार्ट थोड़ा डालना चाहिए था क्योंकि अल्टीमेटली दिखाना वही है कि अभी ना रियलाइज कर पाया है आई थिंक मैं जो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही लिखी आई लेटर रियलाइज नेगेटिव भी डालना गांधी का वो ओशनिक सर्कल डाल सकते हैं कि उसने इंडिविजुअल को सेंटर पे रखा है डेवलपमेंट केस में डीआरआई में तो गांधी जी डालना ही है मस्ट हाँ वो उनके कारण ही तो आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी डाला था तो मतलब गांधी तो आना ही आना है गांधी हर कहीं आना है भाई इंक्लूसिव में अपने एससी एसटी और वो रिजर्वेशन दिया है
और कैसे और क्या दे सकते हैं अपन उसे? एलजीबीटी दे सकते हैं, मेबी नेगेटिव में कि उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल में बोल रहे हैं ना अपन, इकोनॉमिक या ऐसा कुछ में? तो 73 तो सिर्फ पॉलिटिक्स से डील कर रहा है, तो एडिशनली बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में गुड गवर्नेंस और इंक्लूसिवनेस हम डाल सकते हैं। इसमें सस्टेन डेवलपमेंट क्या डाला? सारे फैक्टर दिए मैंने, एसडीजी 1 2 3 4 5 6 8 8 तक पहुंचा दिए। मेरे को लग रहा था पता नहीं और भी आएंगे भी। नहीं, 8 पे रुक गया मैं। अभी मतलब रिसेंटली अगर किसी को पता हो तो आई थिंक ये जल जीवन मिशन है ना, इसके अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया, मतलब एज अ स्टेक होल्डर देख रहा है ग्राम पंचायत को। जो आइडिया है उस पर जल जीवन मिशन में, उसमें बेसिकली स्टेक होल्डर अप्रोच लेके कि वाटर को जो लोकल वाटर बॉडीज है उनको पहले तो ऑर्गूमेंट करना है और उसका जो मेंटेनेंस है ना वो ग्राम पंचायत के हाथ में ही देना है। तो मे बी आई थिंक वो पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से और भी स्कीम्स रहती है ना जहाँ पे शायद ग्राम पंचायत को बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन के रोल देते हैं। हाँ, मेरे को अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहे। माइनिंग वाला हो गया ना, माइनिंग बिना उनके परमिशन के हो नहीं सकती, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस स्पेसिफिक प्रोविजन हैज एक्टेड एज अ बुलवर्क अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इंश्योर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इफ इट हैपेंस इन अ सस्टेनेबल मैनर, आई थिंक वो करके डाल सकते हैं। हाँ, पैसा में है ये स्पेसिफिक प्रोविजन, माइनर मिनरल्स को लेके आया है ये, प्रायर कंसेंट जरूरी है ग्राम पंचायत का। अरे एक मैंने आर्टिकल पढ़ा रहा, उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही गडगिल का वो दिया हुआ था, क्या था वो कंक्लूजन की तरह में भी वी कैन यूज कि वो डेवलप सस्टेनेबली एंड कंजर्व थॉटफुली, वो गडगिल कमेटी का वो था। तो मुझे लगा नहीं कि वो उसमें डाल सकते, फिर मैंने इतना एनवायरनमेंट का वो टच ही नहीं किया। यार ग्रुप पे डाल देगा क्या? डाल। और बचा है क्या कोई क्वेश्चन? नहीं शायद। हाँ तो वाइंड अप ही करते हैं फिर, सभी करते हैं। ओके ऐड कर जो भी पॉइंट्स रहेंगे तो। हाँ हाँ राइट, एंड फाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके बाय।